हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। आज हम लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे और मैं अंशुराज जो आप लोग को सिक्स सेमेस्टर में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पढ़ाने जा रहा हूं, तो आज हम लोग को समझना पड़ेगा आखिर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग है क्या। अगर पढ़ रहे हैं तो ये जानना जरूरी है, समझ गया, तो आज उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आखिर सिक्स सेमेस्टर में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि इसमें देखा जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको चार सब्जेक्ट और पढ़ना था, जिसमें क्या था, फर्स्ट था आपको एडवांस माइक्रो प्रोसेसर जो कि आप पढ़ चुके, क्योंकि ये एक इलेक्टिव पेपर है, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट है, ये पांच सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आखिर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग ही आप क्यों चूज करें इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। सेकेंड है एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट। आपको इसके बाद जो है थर्ड आपका माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फोर्थ है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। एट लास्ट जो फाइव है जो है कि माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पे आप लोग, ये पांच आपका इलेक्टिव पेपर है, इस पांच इलेक्टिव पेपर में से आपको कोई एक पेपर चूज कर सकते हैं जो कि आप इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी पेपर इसमें से आप चूज कर सकते हैं, आपको तब से कोई फोर्स नहीं है कि आप यही पेपर चूज कीजिए। लेकिन आपको चूज करने से पहले कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि जो पेपर हम चूज करें क्या वो मेरे लिए एक इफेक्टिव पेपर होगा, क्या मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट पेपर होगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कौन सा इस पांच पेपर आपका इम्पोर्टेंट पेपर है, यानी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बोथ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर जो पढ़ना है, जो आपको फर्स्ट इलेक्टिव पेपर में आपको दिया गया है, जो इसके बारे में आप फिफ्थ सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, यानी उसे कुछ एडवांस इसमें पढ़ना था, यानी इसके बारे में कुछ न कुछ तो आपके पास नॉलेज है। क्यों है, क्योंकि आप फिफ्थ सेमेस्टर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। और ये सेकेंड आपको है एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छा से पेपर वन और पेपर टू करके पढ़े हैं थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में, इसके बारे में तो आपके पास बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज होगा, इसीलिए यहाँ पे हम ये भी पेपर को क्या करेंगे, चूज नहीं करेंगे। अब आया आपको माइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज जो है बहुत ही कम है। आप ये भी चाहे तो आप अपने से पढ़ सकते हैं, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इसका वेटेज बहुत कम है। तो अब एट लास्ट जो आपको बचता है क्या, वो है आपको माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। ये आपको ये इम्पोर्टेंट पेपर अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग इन सेमेस्टर एग्जाम, बोथ यू आर मोर स्कोरिंग इन दिस सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहां से देखते हैं इसका बेटेस्ट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहां है। आप अगर चाहते हैं कि पास आउट होने के बाद आप एक अच्छा खासा जॉब में जाए, एक साइंटिस्ट बने, यानी साइंटिस्ट बने तो आपको एक इसरो का एग्जाम होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस इसरो का एग्जाम में ये माइक्रोवेव इंजीनियर सबसे ज्यादा जो बेटे जो क्वेश्चन रहते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से पूछा जाता है। क्यों, कि ये आप लोग अगर जाएंगे वहां पे तो स्पेस के बारे में पढ़ना होगा और स्पेस से रिलेटेड इसमें एवरीथिंग पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, इसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी कहाँ होता है तो स्पेस में, फ्रीक्वेंसी को प्रोपगेट कहाँ करते हैं तो स्पेस में ही करते हैं, तो यानी वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या वर्क होगा नहीं होगा सारे को इसमें हम लोग पढ़े, कौन सा डिवाइस के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी को वर्क करवाएंगे, वर्क करवाने के बाद उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगी, वर्किंग प्रिंसिपल होने के बाद मेरे लिए एडवांटेज होगा क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, ये सारा कुछ कहाँ देखेंगे हम लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में। तो आपको हम बता दें कि ये पांच आपका इलेक्टिव पेपर है जिसमें माइक्रोवेव इंजीनियरिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको रहने वाला। तो मैं आज
उसी के लिए बात करने वाला हूँ जो कि आपको बताए अभी तक माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले जब सब्जेक्ट का नाम है माइक्रोवेव, तो इसको मतलब हमको समझना पड़ेगा आखिर माइक्रोवेव है क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं माइक्रोवेव क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे माइक्रोवेव, लिखते हैं माइक्रोवेव। आप लोग इस वर्ड से यानी माइक्रो वर्ड से बहुत ही ज्यादा परिचित होंगे क्या, ये आप सारे लोग बता सकते हैं माइक्रो का मतलब क्या होता है और ये वेव की मतलब क्या होता है। तो आप आपको बताते हैं यहाँ पे माइक्रो, माइक्रो का मतलब सबसे छोटा यानी बहुत ही स्मॉल। इसका वैल्यू आपको पता होगा 10^-6। आखिर ये वैल्यू एक से कितना छोटा है ये खुद ब खुद आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब बहुत ही छोटा इन टर्म ऑफ जो यहाँ पे देखेंगे इन टर्म ऑफ स्मॉल टीनी बहुत छोटा। और वेव का मतलब होता है यानी टी, यहाँ पे आपको बता दे वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इसको बोले तो ईएम वेव हम लोग बोल सकते हैं। अब आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये आपको हो जाएगा स्मॉल, स्मॉल इन साइज। यहाँ पे साइज में क्या करेंगे स्मॉल देखेंगे, यानी इस इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्मॉल, देखेंगे क्या होगा यहाँ पे स्मॉल। तब देखेंगे हम लोग वेव, वेव मतलब यहाँ पे ईएम वेव। अब ईएम वेव यानी हाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग बात किया जा रहा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी के आखिर कोई टर्म ऐसा होगा जो स्मॉल की आखिर है क्या। तो इन टर्म ऑफ हम लोग एक फॉर्मूला के हेल्प से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे यानी जहां पे फ्रीक्वेंसी की बात होता है वहां पे लेमडा की बात होता है, ठीक है। तो लेमडा और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है जो कि है लेमडा इक्वल टू सी बाई एफ, लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एफ। अब इस फॉर्मूला के अनुसार आपको बता दे कि जो स्मॉल है वो लेमडा का वैल्यू है। क्यों, कि जब ईएम वेव की बात कर रहे हैं तो आप चाहे तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी नहीं तो हाई फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा हाई आप कीजिएगा वेवलेंथ उतना ही कम रहेगा। तो मैक्सिमम आपको देखा जाएगा कि वेवलेंथ का जो वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा मिलीमीटर में मिल सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या था गीगाहर्ट्ज में होता है। जब गीगाहर्ट्ज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसका वैल्यू बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें माइक्रोवेव के मतलब क्या होता है, माइक्रोवेव के मतलब स्मॉल वेवलेंथ के साथ इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बहुत ही ज्यादा होगा, जिसको हम लोग रिलेशन भी यहाँ पे हम लोग देखें। तो अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोवेव क्या है तो आप लोग बता सकते हैं सिंपली। अब होता है ईएम वेव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ईएम वेव है क्या। ईएम वेव यहाँ पे देखिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है कि यह सीधा प्रोगेट किया जाता है स्पेस में, यानी फ्री ऑफ स्पेस में यह किया जाता है प्रोगेट किया जाता है किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ कि किसको यानी ईएम वेव को प्रोगेट किया जाता है। और ये होता है ट्रांसवर्स इन नेचर, यानी इसका नेचर जो होता है ट्रांसवर्स होता है। तो यहाँ पे ईएम वेव के बारे में ये आपको बताएंगे, इसके जो हम लोग देखेंगे पूरा ओवरऑल इसमें ओनली प्रॉब्लम ईएम वेव की ही बात करेंगे, यानी कब ईएम वेव देखेंगे कि कहाँ पे जेनरेट होगा, कहाँ पे इसको बर करवाएंगे, कितने फ्रीक्वेंसी पर रेडिएट करेंगे। तो सारा कुछ हम लोग ये जब रेगुलर आपको वीडियो चलेगा तो उसमें हम लोग बताया जाएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक ऑफलाइन बैच यानी द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग चल रहा है, जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए हैं वो जितना जल्दी ज्वाइन कर ले, नहीं तो आपका सिलेबस आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहां से ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यानी आप लोग जितना आप शेयर कीजिएगा सारे फ्रेंड्स को आपको पता चलेगा, वो भी आपको सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर पाएंगे। यानी जितना आप शेयर कीजिएगा उतना ही ज्यादा बेहतर है। तो अब हम लोग देखेंगे माइक्रोवेव सिलेबस एनालिसिस बहुत ही जल्दी, कोई देरी नहीं। आपको सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, एक प्लान करना होगा किस बेस से हमको लर्निंग करना है। तो आइए आज आपको ओनली फोर सिलेबस एनालिसिस यानी पूरे सिलेबस को डिफाइन करेंगे। बहुत ही छोटा छोटा नॉलेज आपको आज मिलेगा कि सिलेबस में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है यहाँ पे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, तो आपको जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट आपका जो फर्स्ट है उसमें आपको जो गिवन है माइक्रोवेव ट्यूब, माइक्रोवेव ट्यूब।
ये आखिर ये आपको फर्स्ट यूनिट में गिवेन है, तो डेट मीन्स आपको क्या, आपको ट्यूब अगर जो बात कर रहा है, क्या माइक्रोवेव ट्यूब से पहले भी कोई ट्यूब थे? हाँ थे, उस ट्यूब को हम लोग जानते हैं कॉन्वेंशनल ट्यूब। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कॉन्वेंशनल ट्यूब। आखिर ये क्या कमी रह गई थी कॉन्वेंशनल ट्यूब में जो हमको माइक्रोवेव ट्यूब लाने की आवश्यकता पड़ गई? आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा जिसके कारण से माइक्रोवेव ट्यूब का इन्वेंशन करना पड़ा? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे माइक्रोवेव ट्यूब के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्वेंशनल ट्यूब के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है। इंट्रोडक्शन में आप लोग माइक्रोवेव ट्यूब पढ़ने से पहले ये कहाँ से आया ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग कॉन्वेंशनल ट्यूब अगर नहीं जानते हैं तो आपको कहीं से भी आप कॉन्वेंशनल ट्यूब देखिएगा तो इसमें बता देते हैं कि जो क्या क्या थे, शायद आपको कुछ पता चले, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर में बेसिक पढ़ के आए हैं तो वहां से आपको दे। तो कॉन्वेंशनल ट्यूब में आप लोग ट्रायोड के नाम सुने होंगे, आप लोग ट्रायोड के नाम सुने हैं, पेंट्रोड के नाम सुने होंगे। तो ये सब क्या कॉन्वेंशनल ट्यूब था, ये सब आखिर था क्या? ये सब जो लो फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा खासा वर्क कर रहा था, क्या कर रहा था, बहुत अच्छा खासा वर्क कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग जब मॉडर्न हुए तो क्या मॉडर्न हुए तो अपने में चेंजिंग करते हैं ना, जस्ट उसी तरह इसी इसमें क्या किया जाएगा, कुछ फ्रीक्वेंसी को हाई किया गया, यानी जो लो फ्रीक्वेंसी था उसको हाई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट करना स्टार्ट कर गया। तो इसमें बहुत सा कमी आने लगी, बहुत सा इसमें क्या आने लगी कि डिमेरिट आने लगी, ये दोनों में यानी डिमेरिट आने लगी। तो यहाँ पे जो आउटपुट इससे मिलने वाला था उसमें आपको कमी आने लगी। जब कोई काम हम करेंगे और आउटपुट सही ना मिले तो बहुत अंदर से हम लोग क्या होता है, खुद ब खुद लगता है कि ऐसा काम क्यों किए और बेहतर करते तो शायद मेरा जो आउटपुट मिल रहा वो और अच्छा होता। तो यहाँ से बहुत से वैज्ञानिक अपने माइंड लगाए कि आखिर क्या किया जाए कि हाई फ्रीक्वेंसी पे हम लोग के इस शिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें डिमेरिट आया, तो ऐसा कौन सा ट्यूब लगाया जाए जिसके कारण ये डिमेरिट को क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो यही कॉन्वेंशनल ट्यूब को बहुत सा लिमिटेशन आया जिसको दूर करने के लिए आपको लाया गया माइक्रोवेव ट्यूब। और माइक्रोवेव ट्यूब में हम लोग टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब देखेंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा कुछ, और आपको जो रेगुलर वीडियो चलेगी उसमें आपको बताया जाएगा कॉन्वेंशनल ट्यूब को क्या क्या लिमिटेशन थी, क्या इफेक्ट आया था वहां पे जिसके कारण से ये लाया गया, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन। तो आखिर इंट्रोडक्शन किसको पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन तो माइक्रोवेव ट्यूब को बता दिया गया। उसके बाद आपको जो पढ़ना है तो पढ़ना है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड डायग्राम, यानी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड डायग्राम। इसके लिए एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी बनाया गया जिसके हम बैंड डायग्राम को हम लोग देखेंगे। सारे फ्रीक्वेंसी क्या गीगाहर्ट्ज में इसको यूज किया जाता है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% रहेंगे फ्रीक्वेंसी बैंड डायग्राम से। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, ठीक है? तो आपको जो सेकंड था क्या था, वहां पे फ्रीक्वेंसी बैंड डायग्राम, और उसके बाद जो आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ, इसका जो टाइप है वो आप लोग को हम बता देते हैं कौन कौन सा टाइप पढ़ना था। तो हम लोग देखेंगे इसे पढ़ना था क्लिस्ट्रॉन। सबसे पहले जो माइक्रोवेव ट्यूब में फर्स्ट माइक्रोवेव ट्यूब था उसका नाम था क्लिस्ट्रॉन, सेकेंड का। और क्लिस्ट्रॉन यहाँ पे आपको कितने टर्म में बताया जाएगा, तो तीन टर्म में देखेंगे इसका टाइप कितना है, तो तीन है। जो फर्स्ट है वन कैविटी क्लिस्ट्रॉन, वन कैविटी क्लिस्ट्रॉन, फिर है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, और थर्ड है मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन। तो आपको बता दे, आपको जो सिलेबस में गिवेन है, जो को सिलेबस में दिया गया है, ये वन कैविटी क्लिस्ट्रॉन है, और आपको जो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन आपका सिलेबस में दिया गया है, और मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन के बारे में आपको सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया जाएगा, एक भी स्किप नहीं करते चलेंगे। यानी आपको जो यहाँ पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सारा क्वेश्चन आपको सोल्व होगा। आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, कौन से क्वेश्चन यूनिट वन से पूछे गए, यूनिट टू से पूछे गए, यानी सारे यूनिट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन,
कहीं पे आपको दिक्कत होगा दोनों ग्रह, तो आपको मल्टी कैविटी क्लिस्टोन, इसमें देखेंगे वन कैविटी क्लिस्टोन को जो सिलेबस में दिया गया इसको नाम है रिफ्लेक्स क्लिस्टोन, रिफ्लेक्स क्लिस्टोन आपको क्या है, यानी टू कैविटी क्लिस्टोन को सिंपली हम लोग क्लिस्टोन के नाम से जानते हैं, वन कैविटी क्लिस्टोन को रिफ्लेक्स क्लिस्टोन। इसके बाद नेक्स्ट जो माइक्रोवेव ट्यूब आए थे उसका नाम था TWT, यानी कुछ इसमें कमी रह गया होगा जो और इसको बेहतरीन करने के लिए और इसको आउटपुट को शार्प करने के लिए और आउटपुट को ज्यादा लेने के लिए हम लोग TWT को क्या किए थे, लाए थे, यानी इसका पूरा नाम होता है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें एक और पढ़ने के लिए आपको मिलेगा BWO यानी बैकवर्ड ऑसिलेटर, बैकवर्ड ऑसिलेटर। इसके बाद एक और माइक्रोवेव ट्यूब आया था जिसका नाम था मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ, तो ये इतना सारा माइक्रोवेव ट्यूब आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक नया उमंग, नए तरीके से, नए जोश से आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी इसमें आपको थोड़ा सा भी नहीं पता चलेगा कि इसमें आखिर हम पढ़े आपको ना समझ में आया हो, यानी एक एक चीज को आपको तोड़ करके बताया जाएगा, एक एक पार्ट को आप लोग को बताया जाएगा, कौन सी पार्ट कहाँ पे यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, इसको जब वर्किंग देखेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो आपको आपको देखते ही आपको क्या हो जाएगा, याद याद तो लगेगा ये तो कुछ है नहीं, हम लोग देखते हैं तो ये तो सबसे टफ, यानी इसको इतना इजी वे में करके बताया जाएगा आप लोग यकीन नहीं कर सकते हैं। वेट कीजिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये यकीन हो जाएगा कि आखिर ये जो हम बोल रहे हैं आज कितना इफेक्टिव बात आपको बताया जा रहा है, यानी यहाँ से आपको ये इतना पढ़ना। इसमें आपको बता दे BWO आपको सिलेबस में गिवन नहीं है, यानी बैकवर्ड ऑसिलेटर आपको सिलेबस में क्या है गिवन नहीं है, ये भी आपको बताया जाएगा। इस पॉइंट को अभी से आप नोट करके देख लीजिए, आपको जब रेगुलर वीडियो आएगी तो इसका वीडियो आपको मिलेगा। यहाँ पे TWT ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, और एक मैग्नेट्रॉन, तो आपको बता दे इस पूरा जो हम लोग देखे हैं क्लिस्ट्रॉन, TWT और BWO, ये तीनों क्या है आपका भी याद, ओ ट्यूब है, ओ ट्यूब, ओ ट्यूब का मतलब ओरिजिनल ट्यूब, आखिर ओरिजिनल ट्यूब क्यों है इसमें बताया जाएगा, और ये है एक लिनियर ट्यूब, एक लिनियर ट्यूब। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड लिनियर ट्यूब, यानी पूछा जाए कि इसमें कौन लिनियर ट्यूब कहेंगे, किसको कहेंगे, तो आपको ऑप्शन में गिवन रहेगा मैग्नेट्रॉन, BWO, TWT, बोथ, ऐसा करके ऑप्शन रहेगा तो आप सिंपली बना दीजिएगा। इसमें जो मैग्नेट्रॉन है इसको हम लोग बोलते हैं एम टाइप ट्यूब, एम टाइप ट्यूब, या इसी को बोलते हैं क्रॉस फील्ड ट्यूब, इसी को बोलते हैं क्रॉस फील्ड ट्यूब। यहाँ बताया जाएगा कि एम टाइप ट्यूब इसे क्यों बोलते हैं, क्रॉस फील्ड ट्यूब बोलने का रीजन क्यों है, क्या किसी भी डिवाइस को ऐसे ही कुछ नाम थोड़ी दिया जाता है, उससे पहले आपको रीजन बताया जाएगा आखिर क्रॉस फील्ड ट्यूब ही हम लोग क्यों देखेंगे। तो आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और वहां पे आपको ये सारे चीज का रीजन दिया जाएगा। तो आपको यूनिट वन में इतना आपको पढ़ना था, इतना खत्म करने के बाद आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, और मैं 100% गारंटी के साथ आपको देता हूँ आज ही कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हर एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आप हर एक क्वेश्चन बनाइएगा, मैं वहां पे कुछ नहीं करूंगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन बताते ही आप कहिएगा सर इतना इजी क्या क्वेश्चन पेपर आता है क्या, आपको समझ में आएगा आपको किस वे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अभी तक ऑफलाइन बैच नहीं ज्वाइन किए हैं वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर ले, नहीं तो आपको सिलेबस आगे निकल जाएगा। आपका जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस है, जो स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, वहां पे अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए, सारे फ्रेंड को ज्वाइन करवाइए, वहां पे आपको 5 टीचर रहेंगे, 5 सब्जेक्ट है, और उस 5 सब्जेक्ट को 5 अलग अलग टीचर के द्वारा वहां पढ़ाया जा रहा है। सारे टीचर आपको आप आकर के देखिए वहां पे, आपको पता चलेगा ये नंबर 1 इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर 1 और सबसे बेस्ट कोचिंग अभी तक आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यूनिट 1 में आपको पढ़ना था, अब इसी वेब सीरीज में आपको पता चलने वाला है यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है माइक्रोवेव डायोड, माइक्रोवेव डायोड, या फिर इसी को एक और जो लिखा हुआ आपको माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर
डायोड यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी माइक्रोवेव सेमीकंडक्टर डिवाइस आपका यूनिट 2 का नाम है जिसमें हम लोग डायोड के बारे में पढ़ना है। अब तो बहुत अच्छा से जानता होंगे डायोड क्या है क्योंकि अब थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर आप पढ़ते पढ़ते आए हैं आपको इतना अच्छा से पता चल गया डायोड का वर्किंग क्या है कंस्ट्रक्शन क्या है इसका एप्लीकेशन क्या है उसी चीज को आज फिर से मैं दोहराने वाला हूँ लेकिन कहाँ याद रहे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे यानी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी दैट मींस हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या सारे डायोड हाई फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई कर सकते हैं नहीं तो उसमें से कुछ आपको डायोड हैं जो कि माइक्रोवेव के फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं वही उसी को हम लोग पढ़ेंगे जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को क्या कर सके एम्पलीफाई कर सके। तो आपको डायोड के नाम यहाँ पे बता दें कौन कौन डायोड पढ़ना है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन कौन डायोड पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है टनल डायोड आपको पढ़ना है एक वैरेक्टर डायोड एक आपको पढ़ना है पिन डायोड और इसके बाद आपको जो पढ़ना है आपको बता दें पर एक अवलांचे डायोड इफेक्ट पढ़ना है उसके बाद एक पढ़ना है आपको क्या पढ़ना है तो मैसर यानी ये आपको सिंपली पास डायोड पढ़ना है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे उससे भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका टनल डायोड हो इसका वर्किंग वैरेक्टर डायोड हो इसका वर्किंग पिन डायोड है इसका वर्किंग और या मैसर है यानी इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग सबको बताया जाएगा। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है सबसे पहले ट्यूब बनाए उसके बाद ट्यूब में क्या लगाएं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगाएं। अब आगे देखते हैं यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको जो पढ़ना है उसके बारे में आपको बता दें तो आप हम लोग देखते हैं इसमें आप लोग यहाँ पे आप तो स्टार्टिंग से लिखते यहाँ आपको नंबर ऑफ पीसीबीटी के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़े माइक्रोवेव ट्यूब यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़े माइक्रोवेव डिवाइस सेमीकंडक्टर डिवाइस और पढ़ेंगे हम लोग क्या यूनिट 3 में पढ़ना माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड एंटीना यानी माइक्रोवेव कंपोनेंट एंटीना ये पढ़ना है यूनिट 3 में। और यूनिट 3 एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप पढ़ के सेमेस्टर में अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको टॉपिक मिलने वाला है यूनिट 3 यानी आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3। आप इसमें जानेंगे आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले क्या किया हम लोग ट्यूब को बनाए उसके बाद उसके जगह पे जो वैक्यूम ट्यूब आप लोग जाने तो ना था वैक्यूम ट्यूब को क्या किया रिप्लेस किया क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस लेता था उसी जगह पर सेमीकंडक्टर डिवाइस लगाए तो आखिर उसमें कंपोनेंट कुछ लगाए होंगे ना तो कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना और एक एंटीना के बारे में क्योंकि विदाउट एंटीना हम किसी को कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी ना रेडिएट कर सकते हैं ना ट्रांसमिट कर सकते हैं ना ही रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या सारे एंटीना हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर सकते हैं तो नहीं तो वही एंटीना जो हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको ट्रांसमिट करेंगे वही एंटीना के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले आपको बता दें आखिर इसमें कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया जाता है तो सबसे पहले आपको पढ़े होंगे फोर्थ सेमेस्टर यानी नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन में जो कि कोएक्सियल केबल के बारे में पढ़े होंगे कोएक्सियल लाइन के बारे में पढ़े होंगे वहां पे आप वेवगाइड के बारे में पढ़ेंगे सेम वही कंपोनेंट यहाँ भी लगने वाला है यानी सबसे पहले जो आपको इसमें पढ़ना है वो है कोएक्सियल लाइन आपको वेवगाइड यानी इसका टाइप को देखेंगे ये एक पढ़ना है सर्कुलर वेवगाइड आपको पढ़ना है यही में एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड ठीक है इसी में आपको पढ़ना है बहुत सी देखेंगे ये तीन आपको पढ़ना है। आपको इसमें क्या पढ़ना है तो आपको पढ़ना है इसमें डायरेक्शनल कपलर आपको इसमें पढ़ना है इसमें आपको पढ़ना है क्या फिर एटोनुएटर
आपको इसमें और पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और यहां से देखिए कंपोनेंट में आपको इतना ही पढ़ना है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोएक्सियल लाइन क्या होता है, फिर देखेंगे वेवगार्ड, वेवगार्ड में टू टाइप देखेंगे, सर्कुलर वेवगार्ड और स्ट्रैंगुलर वेवगार्ड। ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आपको इम्पोर्टेंस बताएंगे। फिर है डायरेक्शनल कपलर एंड इसके टाइप को भी हम लोग देखेंगे। फिर है एटोनुएटर, एटोनुएटर क्यों लगाएंगे, तो एटोनुएटर का मतलब होता है एटोनुएट करना, यानी जो भी हमको ज्यादा हो जाएगा तो उसको एटोनुएट करेंगे, एटोनुएट करके उसको कम करेंगे तो वहां पे उसका भी काम आएगा। देखेंगे कहां पे आएगा सर्किट में एटोनुएटर। ये आपको इतना कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, कितना कंपोनेंट हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो एंटीना आपको पढ़ना है, तो एंटीना में सिंपली आप फिफ्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ के आए होंगे, रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसमें एंटीना बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ोगे। मुझे विश्वास है कि आप अच्छा से पढ़ोगे, उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से आपको यहाँ पढ़ना है, क्योंकि आप जो एंटीना यहाँ पढ़ने वाले हैं वो माइक्रोवेव एंटीना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एंटीना में आपको जो पढ़ना है यहाँ पे, तो पैराबोलिक एंटीना, कौन सा, पैराबोलिक एंटीना, और आपको पढ़ना है फिर हॉर्न एंटीना, स्लॉट एंटीना, ठीक है। तो हॉर्न एंटीना, स्लॉट एंटीना, यानी यहाँ पे एंटीना भी पढ़ेंगे तो हम लोग यही तीन एंटीना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, तो ये सारे को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट वाइज, आप ऑफलाइन वाइज में आइए, वहां पे इसको हम लोग बहुत अच्छा वे में और अच्छे तरीके से हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं। वहां पे आपको यूनिट वन अभी स्टार्टिंग है, अब जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पढ़ना है यहाँ पे माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड एंटीना में, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं यूनिट फोर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्या किया हम लोग, ट्यूब लाए, ट्यूब की जगह पे सेमीकंडक्टर डिवाइस लगाए, उसके बाद कंपोनेंट लगाए। अब कंपोनेंट लगा के क्या ऐसे छोड़ थोड़ी देंगे, तो कंपोनेंट लगाए हैं तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ करेंगे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब माइक्रोवेव को क्या करेंगे, सारा कंपोनेंट मेरे पास आ गया, इसको ट्रांसमिट करेंगे, तो ट्रांसमिट कैसे करेंगे वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो ये अभी देखेंगे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को लिए यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, तो माइक्रोवेव ट्रांसमिट करेंगे तो सारा कुछ यूज होगा ना, इससे पहले वाले ट्यूब लगाएंगे, डिवाइस रहेगा, कंपोनेंट लगाएंगे, एंटीना लगाएंगे, तब तो हम ट्रांसमिशन करेंगे। क्या ट्रांसमिशन करेंगे, तो उसमें भी कुछ टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में देखेंगे ना, कि कितने तरह से उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, और जब ट्रांसमिट करेंगे तो उससे क्या मुझे कुछ प्राप्त होगा, तो वो भी देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में, मैक्सवेल इक्वेशन, क्या पे मैक्सवेल इक्वेशन देखेंगे, इसका टाइप ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन देखेंगे। ये चार टाइप का होता है, कौन कौन से होते हैं, वहां पे एक एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ, यानी वह जो चार होते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं मोड ऑफ प्रोपोगेशन देखेंगे, यानी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको रहेगा, मोड ऑफ प्रोपोगेशन, क्या मोड ऑफ प्रोपोगेशन। और प्रोपोगेशन का जो मोड देखेंगे वो दो तरीका से देखेंगे, एक रिस्टैंगुलर वेव गाइड को यूज करेंगे, हम लोग, और एक यूज करेंगे हम लोग सर्कुलर वेव गाइड, यानी ये दो सो हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद यूज करने के बाद इसमें बहुत सारे इक्वेशन प्राप्त होगा, जो इक्वेशन आपको बता दे इससे हम लोग देखेंगे कट ऑफ वेवलेंथ और गाइडेड वेवलेंथ, जो कि आपको एक्सप्रेशन से लाना पड़ेगा। यानी मोड ऑफ प्रोपगेशन करेंगे रिस्टेंगुलर वेवगाइड से, जिसका कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, और जब सर्कुलर वेव करेंगे तो इसका कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, और कट ऑफ वेवलेंथ यहाँ पे देखने के बाद हम लोग गाइडेड वेवलेंथ देखेंगे, कि कट ऑफ वेवलेंथ गाइडेड वेवलेंथ यहाँ पे दोनों का रिलेशन देखेंगे, और ये दोनों के बाद देखेंगे फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी इसका क्या होगा, जो कि आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इसमें क्या क्या का देखने वाले हैं, तो आप लोग बताइए कट ऑफ वेवलेंथ और गाइडेड वेवलेंथ, उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी और इसमें देखेंगे फेज वेलोसिटी।
इस पूरे माइक्रोवेव का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक विथ न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ, गाइडेड वेवलेंथ, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, इसके एक्सप्रेशन कैसे लाएंगे, इसको प्रूव करके देखेंगे इक्वेशन को, और ये आपको एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यानी इससे आपको दो क्वेश्चन आपको इस सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के बताएंगे कौन सा यूनिट का सबसे ज्यादा आपको बेटर जाए सेमेस्टर एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लोग ट्रांसमिशन में भी हम लोग इतने तरह से ट्रांसमिशन करेंगे, तो ये ट्रांसमिशन करने का मोड होगा और यहाँ से इक्वेशन हमको प्राप्त होगा। इस इक्वेशन से हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में क्या वहां पे टर्म आएंगे, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का कितना वेव देंगे, कितना फ्रीक्वेंसी देंगे, तो इसका वेवलेंथ कितना होगा, तो वहां पे आपको बताया जाएगा। और लास्ट जो आपको पढ़ना है यूनिट 5, इसका नाम है डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब क्या, जांच करना, डिटेक्ट करना, पता करना कि जितना काम किए क्या ये सही हुआ, क्या कहाँ पे मिस्टेक हुआ है उसको बारे में देखेंगे। अगर सही हुआ है तो बहुत अच्छा मेरे लिए, लेकिन जब कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो उसको तो जांच करना पड़ेगा ना। आप सारे कुछ लगाए, माइक्रोवेव ट्यूब लाए, सेमीकंडक्टर डिवाइस पे यूज किए, सारे कंपोनेंट लगा दिए, एंटीना लगा दिए, जब ट्रांसमिशन करने गए तो ट्रांसमिशन भी हुआ लेकिन जितना आउटपुट चाहिए उतना आउटपुट हमको नहीं मिला, तो फिर कहाँ पे गड़बड़ी रह गई, क्या फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ी रह गई, क्या फ्रीक्वेंसी में गड़बड़ी रहा तो कहाँ रहा, उसको किस तरह से हम लोग देखेंगे सुधारेंगे, क्या इसका इम्पीडेंस में गड़बड़ी रह गया है, यानी वीएसडब्ल्यू वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो में गड़बड़ी रह गया है, तो इसके बारे में आपको यहाँ देखा जाएगा। तो डिटेक्टर में आपको देखना है क्या, मेजरमेंट ऑफ, फर्स्ट देखना है तो मेजरमेंट ऑफ आपको फ्रीक्वेंसी, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और सेकेंड में पढ़ना मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस, ऑफ इम्पीडेंस, और आपको फिर पढ़ना वीएसडब्ल्यूआर। यानी ये आपको देखना है कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करेंगे, और वहां पे फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट किस तरह, इम्पीडेंस को मेजरमेंट करेंगे, और वीएसडब्ल्यूआर इसका पूरा नाम होता है वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा देख लिए यानी यूनिट 5। अब यहाँ से आपको एक कंक्लूजन करके बता देते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा। तो मैं बता दूं फर्स्ट यूनिट से, आपको फर्स्ट यूनिट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे इससे ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे 6 से 8 ऑब्जेक्टिव, यानी 6 से 8 ऑब्जेक्टिव जो आएंगे कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। इसमें जो 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स में आपको आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे आपको मिलेंगे। और 6 मार्क्स में इसका जो क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स में इसका जो क्वेश्चन आएगा, इसमें 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से रहना। तो आपको बता दे कि 6 मार्क्स में आपसे 2 क्वेश्चन यानी 6 × 12 नंबर यहाँ पे, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको रहेंगे ही, यानी 12 नंबर यहाँ से और 6 से 8 नंबर यहाँ से। यानी इस क्वेश्चन को ओवरऑल देखा जाए तो आपको 20 से 25 मार्क्स को यहाँ से क्वेश्चन रहना ही रहना। सेकेंड यूनिट आपको देखेगा यूनिट 2 सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो यहाँ से 3 से 4 आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहने वाले हैं, क्योंकि आपको फिक्स है। आपको सब्जेक्टिव यहाँ से 2 से 3 आपको 4 मार्क्स में रहेंगे, और यहाँ पे 6 मार्क्स में इसका जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ भी 2 से 3 रहेगा। तो इसमें आपको देखा जाएगा 12 और 8 20, यानी कम से कम 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका यूनिट 3 से जो क्वेश्चन रहेंगे आपको कम से कम 9 से 10 ऑब्जेक्टिव रहने वाले, जो कि यूनिट 3 आपको बता दे, यूनिट 3 और यूनिट 4 जो पढ़ाया जाएगा लगभग आपको अलग से नहीं बताया जाएगा। क्यों, किसमें आपको सर्कुलर वेव गाइड एज अ कंपोनेंट पढ़ना है, और एज अ मोड ऑफ प्रोपगेशन जो पढ़ना है, जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है पढ़ना है, तो जहाँ पे हम लोग सर्कुलर वेव गाइड पढ़ेंगे, जहाँ पे रेक्टेंगुलर वेव गाइड पढ़ेंगे, तो वहीं पे इसका मोड ऑफ प्रोपगेशन देखते रहेंगे कि जब सर्कुलर वेव गाइड पढ़ेंगे इसका मोड ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा। तो ये दोनों यूनिट को हम कम्बाइंड करके आपको बता दिया जा रहा है। तो 9 से 10 क्वेश्चन जो यहाँ से रहने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव में रहने वाले हैं, ये आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 9 से 10 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस चैप्टर से रहने वाला है, यानी 50% यहाँ से। और का जो सब्जेक्टिव रहने वाला है, 5 से 6 क्वेश्चन जो आपको रहेगा 4 मार्क्स में रहेगा, कितने मार्क्स में, 4 मार्क्स में 5 से 6 क्वेश्चन, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको रहने वाला है 6 मार्क्स में। तो ये लगभग अगर बता दिया जाए
तो 35 से 40 मार्क्स, यानी 35 से 40 मार्क्स जो आपको पूछे जाएंगे सिर्फ यूनिट 3 और यूनिट 4 से, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी इसको आप मिस नहीं कीजिएगा, क्लास मिस नहीं कीजिएगा। जो लोग अभी तक ऑफलाइन बैच में एडमिशन नहीं करवाए हैं, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस, तो आप बहुत जल्दी ज्वाइन किए, क्योंकि आपको यूनिट 1 अभी चल रहा है, जस्ट आप लोग को यूनिट 3 आप मिस कर गए हैं तो आपको लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ये 50% क्वेश्चन, क्योंकि आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसे 35 से 40 मार्क्स आपको माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड एंटीना और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से ही पूछा जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स और 6 मार्क्स को मिला दिया जाए, तो अब आपको जो ये जो है जिसे एक या दो ऑब्जेक्टिव आपको आ सकते हैं डिटेक्टर से, और एक को इसके से 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन मैक्सिमम रह सकते हैं, और 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन रहेगा एक क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स में। 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएंगे आपको आप मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं तो मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस यही दो में से रहेगा। 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन रहेगा इसे VSWR व्हाट इज VSWR VRET यूज्ड ऐसे करके रहेगा, और एक दो ऑब्जेक्टिव यहां से रहने वाले। तो ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर से आप समझेगा। तो इसमें आपको दो यूनिट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यूनिट 1 और यूनिट 3 और 4। ये दो यूनिट जिनका कवर अच्छे से हो गया और उसके लिए तो बल्ले बल्ले। तो क्या बहुत लोग सोचते हैं कि माइक्रोवेव बहुत टफ सब्जेक्ट है, यानी माइक्रोवेव के बारे में नहीं समझ में आता है, तो आप इसके लिए एकदम बेहिचक आप ज्वाइन कर सकते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आपको यहाँ पे इस तरह बताया जाएगा, इसमें आप कम से कम 70 मार्क्स में हाई से हाई स्कोर 65-67 मार्क्स तक आप स्कोरिंग कर सकते हैं, नो डाउट। किस तरह से आपको डाउट नहीं होगा, आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें। तो आज हम लोग सिलेबस एनालिसिस पूरा का पूरा देखे, वेटेज ऑफ क्वेश्चन देखे कि कौन से यूनिट का कितना वेटेज रहता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो यहां से आप लोग देखना ना भूलिएगा। आपको यूनिट 1 का आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वहां पे आपको बताया जाएगा क्या, तो वहां फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव के बारे में बताएंगे, उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी बैंड डायग्राम बताएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कॉन्वेंशनल ट्यूब ऑफ लिमिटेशन जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख सकते हैं, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कॉन्वेंशनल ट्यूब से है कि कॉन्वेंशनल ट्यूब में क्या लिमिटेशन हुए थे जिसके वजह से हमको क्या लाना पड़ा, माइक्रोवेव ट्यूब। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब आप करते रहिए, आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए ताकि आपको फ्रेंड भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिए। थैंक यू।